इस वीडियो में इस कार मॉनिटर को इंस्टॉल करने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था। अगर आपको पिछला वीडियो देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस कार मॉनिटर को इस मिडिल मिरर के नीचे लगाएंगे और ऊपर की तरफ उठाते हुए इसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद इस वायर को अच्छी तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब बारी आती है वायर को यहाँ से नीचे ले जाने की। तो इसको लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की मदद से इसको उठा के इसमें वायर को लगा देंगे और यहाँ पे देख लेंगे, इसको दाएं से बाएं एडजस्ट कर लेंगे, जिससे क्या हो कार मॉनिटर को हम इधर उधर हिला सकें। एडजस्ट करने के बाद इसको दरवाजे के पास तक लाएंगे और इसको बहुत सावधानी पूर्वक लगाएंगे। उसके बाद दरवाजे से होते हुए इसको नीचे लाएंगे और नीचे लाने के लिए सबसे पहले इस रबड़ को हटाएंगे और रबड़ हटाने के बाद इसके ऊपर लगे कवर को हटा देंगे और इसके अंदर वायर को डालकर कवर को बंद कर देंगे और उसके बाद से रबड़ को लगा देंगे। यहाँ पे कोई भी मुश्किल काम नहीं है इस वायर को नीचे लाना, बस वीडियो में जिस तरह देख रहे हैं उसी तरह आप नीचे ला दीजिएगा। अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। इस कार मॉनिटर का कनेक्शन हमारे स्टीरियो से होगा, इसे एम्पलीफायर या म्यूजिक प्लेयर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इस स्टीरियो को ओपन कर लेंगे, एम्पलीफायर को ओपन कर लेंगे और इसको ओपन करते समय सावधान रहिएगा ताकि कुछ टूटे फूटे ना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक ओपन कीजिएगा। इस कार मॉनिटर को मैं एक बोलेरो में फिक्स कर रहा हूँ, इसलिए इसका डैशबोर्ड इस प्रकार दिख रहा है। अगर आप इसे कार में फिक्स करेंगे तो उसका डैशबोर्ड दूसरी तरह दिखेगा। तो आपका जो भी डैशबोर्ड हो, आप अपना एम्पलीफायर खोलिएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है आपके स्टीरियो या एम्पलीफायर के पीछे ही होगा। लेकिन जो इस कार मॉनिटर का कनेक्शन होगा, किसी बोलेरो में हो या किसी गाड़ी में हो या कार में हो या जीप में हो, सब में एक ही तरह होगा। इस कार मॉनिटर का कनेक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे ही हमारा स्टीरियो ऑन होगा, एम्पलीफायर ऑन होगा, वैसे ही कार मॉनिटर ऑन हो जाएगा। इस वीडियो में हम कार मॉनिटर के साथ साथ रियर व्यू कैमरा भी इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि गाड़ी बैक करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप एम्पलीफायर के पीछे देख सकते हैं, स्टीरियो के पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड, ब्लैक और येल्लो तीन वायर दिए हैं, यही पावर सप्लाई के वायर हैं। अब चलिए पता कैसे करेंगे पावर सप्लाई वाले वायर कौन है, आगे बताता हूँ। इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी बाइक का इंडिकेटर में जो लाइट जलता है उसको होल्डर के साथ ले लेंगे, और मल्टीमीटर की जगह पे आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा मेन वायर है, कौन सा अर्थ है, यानी कौन सा 12 वोल्ट प्लस दे रहा है, कौन सा माइनस दे रहा है, ये भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पीकर वाले वायर को अलग कर दिया है और यहाँ पे जो पावर सप्लाई वाला वायर है वो है ब्लैक, और दूसरा जो है येलो है, और तीसरा रेड है। यहाँ पर जो ब्लैक वायर है निगेटिव है, माइनस भी बोल सकते हैं, और जो येलो है और रेड है ये दोनों पॉजिटिव है, यानी प्लस है, 12 वोल्ट प्लस का करंट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होता है कि एक वायर में कंटिन्यूस पावर सप्लाई आता है, और जो दूसरा वायर होता है जब इग्निशन स्विच, यानी जब चाबी को हम गाड़ी में चाबी को जब ऑन करते हैं तब आता है। तो जो कार मॉनिटर के पॉजिटिव वायर का कनेक्शन होगा, कंटिन्यूस वाले वायर से नहीं करेंगे, यानी जो डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है उसमें नहीं करेंगे, उसका कनेक्शन चाबी लगाने पर जिस वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है वहां करेंगे। अब इसको पता कैसे लगाना है आगे चलिए बताते हैं। अगर आप बल्ब वाले होल्डर से चेक कर रहे हैं तो बल्ब का एक वायर इस निगेटिव वायर से यानी ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को एक बार येल्लो पे लगाएंगे और एक बार रेड पे, और येल्लो और रेड में से जिस वायर पे हमारा बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा, उसमें हम कनेक्शन नहीं देंगे कार मॉनिटर का। उसके दूसरे वाले यानी अपोजिट वाले जिस पे बल्ब नहीं जलेगा वहां पर हम कार मॉनिटर का 12 वोल्ट प्लस कनेक्शन देंगे, और माइनस वाले को हम ब्लैक से डायरेक्ट दे देंगे। तो यहां पर देख सकते हैं रेड वाले वायर में 12 वोल्ट का सप्लाई कंटिन्यूस बता रहा है, और इस बात का जरूर ध्यान रहे कि हमारा चाबी जो है ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि येल्लो वाले वायर पे कोई भी पावर सप्लाई नहीं बता रहा है। और कार मॉनिटर लगाते समय इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक गाड़ी में अलग अलग कनेक्शन होता है। कनेक्ट मतलब है कभी कभी कंटिन्यूस जो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है येलो वाले वायर में भी आ सकती है, और कभी कभी रेड वाले वायर में भी आ सकती है। इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम चलिए चाबी को एसेसरीज पर ऑन करके, यानी चाबी को एक बार ऑन करके
आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो वाले वायर में 12 पॉइंट कुछ वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब देखिए जैसे हम चाबी को ऑफ करेंगे यहाँ पे सप्लाई ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ सप्लाई आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कार माइंटर का 12 वोल्ट प्लस का कनेक्शन यही येलो वायर से करेंगे, और कार माइंटर का निगेटिव का कनेक्शन जो है डायरेक्ट यहाँ से ब्लैक वायर से कर देंगे। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट करने के बाद इसको टेप लगा देंगे, और उसके बाद इस वायर को हम कार माइंटर के वायर के पास ले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कारमाइंटर का वायर यहाँ तक आया है। तो फाइनली हमारा वायर यहाँ तक आ चुका है। अब इस कारमाइंटर के रेड वायर को, जिसमें फ्यूज भी लगा है, इसे पहचान सकते हैं यही मेन वायर है, 12 वोल्ट का प्लस वायर है। इसको हम इस वायर के 12 वोल्ट प्लस से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दो कलर का वायर लिया, जिसे पता चल जाए कौन सा माइनस है कौन सा प्लस। तो यहाँ पे कारमाइंटर के प्लस वायर को इस वायर के प्लस से कनेक्ट कर देंगे, और कारमाइंटर के ब्लैक वायर को यानी कि माइनस वायर को, जो वायर हम स्टीरियो से लाए हैं, उसके माइनस वायर से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्शन करने के बाद इसको टेप से अच्छी तरह से लगा देंगे, जिससे क्या हो कि गाड़ी कभी कभी धुलाई में जाती है, कभी क्या हमेशा धुलाई में जाती है, तो उस समय आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हो सकता है हमारा कार माइंटर खराब हो जाए, इसलिए अच्छी तरह से टेप लगाएंगे। उसके बाद अब बारी आती है कैमरा लगाने की। कैमरा लगाने से पहले इस जो हमको सबसे लंबा वायर बॉक्स में मिला था अराउंड 5 मीटर के, सबसे पहले उसको कनेक्ट करके पीछे ले जाएंगे, उसके बाद कैमरा लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करके पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं, इसको हम इस वायर में एक यहाँ पे देखिए रेड वायर छोटा सा दिया हुआ है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो ग्रीन वायर है उसको गाड़ी के सबसे पिछले हिस्से में ले जाना है। जैसे ही बैक गियर लगता है तो गाड़ी के पीछे एक लाइट जलता है, तो इस रिवर्स वायर यानी जो ग्रीन वायर है, इसका कनेक्शन हम वहाँ करेंगे, गाड़ी के पीछे जो लाइट जलता है उसके पॉजिटिव प्लस वायर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वायर को मैट के नीचे से पीछे तक ले जाएंगे। मैट के नीचे से इसलिए ले जाएंगे कि ताकि गाड़ी में बैठने पर पैर में ना फंसे, क्योंकि पैर में फंसेगा तो तार टूट भी सकता है, इसलिए इसको मैट के नीचे से अच्छी तरह से लगाते हुए ले जाएंगे पीछे तक। पीछे ले जाकर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें कैमरा भी लगाना है। चलिए सबसे पहले हम कैमरा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने कैमरा लगाने के लिए 3 होल कर लिया है, और यहाँ पर नंबर प्लेट को कट कर लिया है, और यहाँ पर एक होल कर लिया है कैमरे के लिए, जिसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अगर आप कार में फिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी जगह बनाया रहता है कैमरे का। अगर जगह नहीं भी बनाया रहता है तो वहाँ पे आप उसके बम्फर में पीछे जो बम्फर लगा रहता है वहाँ पे भी आप होल सा की मदद से होल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप होल करके कैमरे को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस नंबर प्लेट के टुकड़े पे फिक्स करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैंने स्क्रू की मदद से कस लेता हूँ, उसके बाद से कैमरा लगाऊंगा। अब कैमरे के वायर को इसके अंदर से डालकर कैमरा अंदर लगा दूंगा, लेकिन कैमरा अभी फिक्स नहीं करूंगा इसके अंदर, क्योंकि कैमरे को भी सेटअप करना पड़ेगा, कैमरा सीधा हमारा है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपको कैमरे में 2 पिन मिलेंगे, एक रेड और एक येल्लो। ये जो रेड वाला है पावर सप्लाई के लिए है, और जो येलो वाला है वीडियो आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पे हमें जो पावर सप्लाई का वायर मिला है उसको रेड वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे, और जो आगे से मैंने एक वायर लाया था येलो वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको येलो वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो इनपुट वाला वायर है। अब यहाँ पे ये वाला जो रेड वायर दिख रहा है और पावर सप्लाई का रेड वायर, दोनों का कनेक्शन बैक गियर लगाने पे पीछे जो लाइट जलता है उसके पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करेंगे, और जो ब्लैक वायर पावर सप्लाई का दिख रहा है उसको हम कहीं भी निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, या उसी लाइट के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए चलिए सबसे पहले हम इस बैक लाइट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यही लाइट है जो बैक गियर लगाने पर जलता है। इसी के पॉजिटिव वायर से जो रेड वायर है दोनों उनको कनेक्ट करेंगे, और निगेटिव वायर से ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो पीछे का लाइट मैंने खोल के यहाँ से ये वाला वायर है जो इसके अंदर डाल के नीचे ला दिया है, और इसको हम इस येलो वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे, और पावर सप्लाई वाले पिन में इस पावर सप्लाई वाले वायर को लगा देंगे। इस पावर सप्लाई के रेड वायर को यहाँ पे छोटा सा कट कर देंगे, जिससे कि ये वीडियो वाले पिन में जो आपको रेड वायर दिख रहा है इसको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा कट कर लिया है, जिससे क्या होगा कि अलग से एक्स्ट्रा वायर ऐड नहीं करना पड़ेगा, यही वायर सीधे हम बैक लाइट के अंदर ले जाएंगे और उसके पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइट को ओपन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एक बैक लाइट जल रहा है, क्योंकि बैक गियर ऑन हुआ है इस समय। अब मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करूंगा, आप चाहे तो बल्ब वाला होल्डर से भी चेक कर सकते हैं किस पॉइंट पे पावर सप्लाई आ रही है, और प्लस माइनस का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर उल्टा हो जाएगा तो भी ये वर्क नहीं करेगा।
तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर का एक पॉइंट ब्लैक वायर से लगा दिया। यहाँ पे ब्लैक वायर ज्यादातर निगेटिव ही होता है। और दूसरे पॉइंट को बारी बारी से सभी होल में चेक करेंगे और जिस वाले पॉइंट पे सप्लाई बताएगा वहीं पे इस कैमरे का जो रेड वायर है, लाल तार है, उसको कनेक्ट कर देंगे और जो काला तार है, ब्लैक तार है, उसको ब्लैक से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे सप्लाई बता रहा है। चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पता लग चुका है कि किस जगह पे कनेक्ट करना है। आप भी इसे होल्डर वाले बल्ब की मदद से पता लगा लीजिएगा। तो इसको ओपन करके और इस वायर को इस प्रकार से आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसको टेप लगा देंगे ताकि वायर बाहर ना निकले। और इसको बंद करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आपकी कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कैमरे को इस प्रकार से मैं सेट कर रहा हूँ, कैमरा में जो फिगर दिखा रहा है वो उल्टा ना दिखाए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री पे दिखाए। और यहाँ पे कैमरे में देख देख के आप सेट कर लेंगे। तो फाइनली हमारा कार मॉनिटर कैमरे के साथ इंस्टॉल हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसको चलाते कैसे हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, इसमें और भी क्या क्या ऑप्शन है सभी बताएंगे।